नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। पराली न जलाएं, जमीन में मिलाएं पराली से खुशहाली। सरकार द्वारा किसानों को जागरूक करने के लिए चलाई गई 3 वीडियो प्रचारित वैन। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा किसानों को फसल के अवशेष न जलाने बारे जागरूक करने के लिए उपायुक्त धर्मवीर सिंह ने लघु सचिवालय परिसर से 3 प्रचार वाहनों को फल्गु मेला के लिए रवाना किया। मेले के उपरांत यह वाहन जिला के सभी गांवों में जाकर किसानों को धान की फसल के अवशेष न जलाने के लिए प्रेरित करेंगे तथा उन्हें कस्टम हायरिंग सेंटरों के माध्यम से फसल अवशेषों का सही प्रबंध करने की जानकारी देंगे। देखें नवीन मल्होत्रा की पल पल के लिए यह खास रिपोर्ट। सर, ये सरकार की जो फसल अवशेष प्रबंधन की जो स्कीम है उसके प्रचार प्रसार के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए जो 3 वैन आज लगाई गई है, इससे पहले भी 5 वैन हमारे जिलों में चली हुई है, वो जो हमारे जिले कैथल जिले के अंदर जो 272 गांव है उनको पूरी तरह कवर करेगी। एक वैन कम से कम 100 किलोमीटर दिन का अलग अलग गांवों में लोगों को जागरूक करने के लिए लगाई गई है। जी जी जी, जिस तरह की हमारी जो हरियाणा सरकार की और केंद्र सरकार की जो स्कीम है जिसके तहत हमें 40% और 80% अनुदान के अंदर जो CHC सेंटर बनाए गए हैं उससे लोगों में बहुत जागरूकता आई है। और इनके जैसे आपको पता ही है कि ऑडियो और वीडियो विजुअल देखने से भी, जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी लोगों से अपील कर रहे हैं कि फाने न जलाने के लिए, इसके बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, जो पहली चीज़ है कि किसान की आय दुगनी करनी। सो दुगनी करने में, जैसे कि मैं यहाँ बोल रहा था, दुगनी करना दो तरीके से दुगनी हो सकती है। या तो फसल के रेट ज़्यादा मिले, वो रेट आगे से बढ़े हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ी है, लेकिन एक पॉइंट के बाद नहीं बढ़ सकती। सो दुगनी करने का दूसरा वे है कि खर्चे कम कर दिए जाए। सो खर्चे कम करने में, जैसे कि हमने यहाँ बोला बताया, उसके तरीके ये हैं कि बिजान के टाइम जो समय में खर्चा होता है हैरो कल्टीवेटर चलाने का, हैप्पी सीडर से वो 2-2.5 हज़ार रुपया कम हो गया। आपने टेंशियो मीट बचा लिए, आपने लीफ कलर कार्ड यूज़ किया, आपने 2 या 3 बैग यूरिया बचाया, तो आपने 1,000 रुपया आपने उसमें कम कर लिया। सो किसान की आय दुगनी करने का तरीका ये है कि उसके खर्चे कम कर दिए जाएं। खर्चे कम होंगे तो उसकी नेट आय दुगनी हो जाएगी, मतलब बचत दुगनी हो जाएगी। ये एक बात हुई। जो आपने दूसरा फसल के अवशेषों की बात करी, तो मेरा और हमारी जो सोच है नाबार्ड की, और हमारी वो सोच ये है कि सख्ती करना या डंडा इलाज नहीं है। सख्ती करना या डंडा इलाज नहीं है, सख्ती करना या डंडा इलाज नहीं है। इलाज ये है कि किसान को अपनी सोच के साथ मिलाएं, वो आर्थिक कारणों से, वो इकोनॉमिक रीज़न, आर्थिक कारणों से आग लगानी बंद करे। तो किसान आग क्यों लगाते हैं, अगर हम समझने की कोशिश करें, 3 कारणों से आग लगाते हैं। अवेयरनेस की कमी, मशीनों की ना अवेलेबिलिटी होना, या आर्थिक तंगी के कारण कि छोटा किसान मशीनें खरीद नहीं सकता। सो हम नाबार्ड की कैंपेन में हम जो प्रयास कर रहे हैं, पहले जानकारी दें, दूसरा मशीनें उपलब्ध कराएं, तीसरा मशीनें किराए पर उपलब्ध कराएं, ताकि छोटे किसान को भारी किश्तों पे ये मशीनें खरीदनी ना पड़े।